आप सभी लोगों को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान गणेश और चंद्रमा जी की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन में हर तरह के विघ्न समाप्त हो जाते हैं। इस दिन लोग फलाहार करते हैं और संध्या काल में भगवान गणेश की कथा पढ़ते हैं। प्रातः काल लोग स्नान करके गणेश जी की पूजा का संकल्प लेते हैं और भगवान को तिल के लड्डू, पीले पुष्प अर्पित करते हैं और चंद्रमा जी को अर्घ्य देते हैं। संकट चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की आरती भी की जाती है। इस दिन गणेश जी को तिल के लड्डू का प्रसाद बनाया जाता है और भगवान को भोग लगाया जाता है। इसको तिलकूट चतुर्थी भी कहते हैं। आज के दिन महिलाएं या घर का कोई भी सदस्य उपवास रख कर भगवान श्री गणेश तथा चंद्रदेव की पूजा करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को भगवान गणेश ने स्वयं ही माँ पार्वती को बताया था। यह व्रत संकटों को दूर करने और दुखों को दूर करने वाला होता है। यह उपवास रखने से व्रती की सारी इच्छाएं संपूर्ण हो जाती हैं। सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ये बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।